नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे के साथ सरिता आपके साथ है। उम्मीद करती हूँ जहां भी आप खुश हैं, खैरियत से हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हफ्ता भर प्रोग्राम में एवरी मंडे मॉर्निंग किसी ना किसी टॉपिक पर हमारे गेस्ट डॉक्टर तानाजी आचार्य जी हमें बहुत सी ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं कि ये चीजें जो भी टॉपिक चुना जाता है उसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जैसे कि लास्ट वीक तो कबीर दास जी का दोहा था, लेकिन उससे पहले गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश जी के ऊपर उन्होंने बताया कि गणेश जी का किस तरह से वैदिक धर्म में क्या आकार है, किस तरह से माना जाता है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि गणेश जी का आकार कैसे बना, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि वो हमेशा दिखाते कि उनकी हाथी जैसी सूंड है, पेट बड़ा है, भुजाएं कैसी हैं। सो उसके बारे में शायद आपके मन में भी बहुत से सवाल उठते होंगे कि ऐसा उनका आकार क्यों है और कैसे बना। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे आज हम तानाजी आचार्य जी से, जो कि हिंदू फिलोसफर हैं। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम हमेशा गणेश जी की जब मूर्ति देखते हैं तो उसमें उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथी की सूंड है, पेट बड़ा दिखाया है और उनके चार भुजाएं दिखाए हैं। सो ये आकार किस तरह से बना, इसके विषय में हमारे पुराणों में अलग अलग स्वरूप से गणेश जी का वर्णन मिलता है। जैसे शिव पार्वती के पुत्र गणेश के रूप में भी वर्णन किया हुआ है, पर मैंने वैदिक स्वरूप भी आपको बताया था कि गणानानपा गणपति गम हवा महे, ये जो था एक वो स्वरूप था गणपति का। पर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी में जो स्वरूप बोला है, मैं उनका विचार जो जो उन्होंने जैसे उसको एक्सप्लेन किया है तो मैं वो भी रूप रखना चाहता हूँ। और मेरा ऐसा विचार है कि जो गणेश का जो स्वरूप आज मूर्ति रूप में उपलब्ध मिलता है तो ये ज्ञानेश्वरी के इस वर्णन के आधार से मेल खाता है। तो उसे थोड़ा सा हमको पता चलेगा कि वस्तुतः ईश्वर का स्वरूप वर्णन करने का संतों ने, ऋषियों ने और शास्त्रीय लोगों ने कैसे प्रयास किया है और उसको सरल बनाने का प्रयास किया है। पर कभी कभी क्या होता है कि सरल करते करते लोग इतने दूर चले जाते हैं कि ओंकार के सही स्वरूप के साथ में कट जाते हैं उससे। उसको जोड़ने के लिए मैं आज ये मेरा प्रयास है। थोड़ा शास्त्रीय तो है, थोड़ा कठिन होता है। मैं सबको ये कहूंगा कि थोड़ा प्रयास कीजिएगा ताकि इतनी इजी के नाम से भी फिर वो महत्व का पार्ट छूट जाता है और ऐसे ही होता रहा है लगातार। तो संत ज्ञानेश्वरी ने अपने ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में कुछ लिखा है और संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में एक नेक्स्ट टू गॉड संत के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने गीता का भाष्य करते हुए ये उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी हुई है। ये गीता का भाष्य तो पहला पाठ जो उन्होंने लिखा है, शुरू किया मंगलाचरण के रूप में, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्म रूपा। तो सबसे पहले उन्होंने अपने इस गीता के जो भावानुवाद उन्होंने किया है उसके शुरू में मंगलाचरण के रूप में उन्होंने किया ओम नमो जी आद्या। ओम परमपिता परमेश्वर, ओम परमपिता परमेश्वर जो आदि पुरुष है उनको मैं नमन करता हूं। ये शास्त्रों की एक परंपरा है कि पहले मंगलाचरण करें, मंगल के रूप में ईश्वर का, ओम का अथ आदि शब्दों के द्वारा उसकी शुरुआत करें। तो ओम नमो जी आद्या ऐसा करके उन्होंने ज्ञानेश्वरी की शुरुआत किया, मंगलाचरण किया। और जो ओम जो आदि पुरुष है वो वेद प्रतिपाद्या, वो वेद में प्रतिपादित है जो वो, और वो वेद में प्रतिपादित जो कैसा है, जय जय स्व संवेद्य है, वो बहुत महान है, सबसे श्रेष्ठ है, उनका संसार में बहुत आदर है और वो स्व संवेद्य है। इन्हें आत्मा के द्वारा उसको रियलाइज कर सकते हैं, आत्मा के द्वारा उसका उनका दर्शन हो सकता है, परंतु आंखों से देखने वाला वो नहीं है, स्व संवेद्य है। हाँ, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता वाणी से, उसको कानों से कोई सुन भी नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। जय जय का अर्थ होता है कि वो इतना व्यापक, इतना अनंत है उसके सब दृष्टि से कि हमारी छोटी आंखें, छोटे हमारे कान, हमारे ईश्वर शक्ति के लिए वो दर्शनीय नहीं है।
क्योंकि हमारे आंखों से हम बाहर की चीजें देखते, हमारे हमारे कानों से हम बाहर की आवाज सुनते, परंतु ईश्वर क्योंकि स्वसंवेद्य है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है इसीलिए, और वो कैसा है, वो आत्म रूप है, वो ऐसे कोई भौतिक रूप नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल एंटिटी नहीं है, ऐसा उन्होंने पहले इसमें कहा। और ये सभी बातें बहुत महत्व रखती है, ये कहना कि ईश्वर आदि पुरुष है और वो वेद में प्रतिपादित है वैसा मानो, और वो बहुत महान है, वो स्वसंवेद्य है, वो किसी को बताया नहीं जा सकता, व्यक्तिगत अनुभव से उनको जाना जा सकता है, और वो आत्मरूप है। इन्हें जब आत्मरूप बता दिया तो आत्मा निराकार होता है, वो तो कोई सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से प्रकृति की तरह नहीं होता, वो निर्गुण होता है उस रूप में जी। तो ये पहले ही उन्होंने बता दिया है, तो इसका मतलब है कि भौतिक रूप में जो भी दिखता है वो आत्मा परमात्मा नहीं है, और हमारा भी जो आत्मा है जो वो भी कोई वस्तु रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं, वो भी आध्यात्म रूप चेतन रूप है, तो ये उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है। तो दूसरे इसमें उन्होंने बोला कि देवा तुचि गणेशु, मैं क्विकली इसको आगे बढ़ाता हूं, हे ओम परम पिता परमेश्वर, जो पहले इसमें वो भी में बोला देवा तुचि गणेशु, हे ओम तू ही गणेश है, सकल अर्थ मति प्रकाशु, संपूर्ण जो ज्ञान है अर्थ का प्रकाश करने वाला, अर्थ रूप आप स्वयं है, वो सारे संसार का जो पदार्थ है उसका जो अर्थ है उसका प्रकाश करने वाले आप है, ऐसा मेरे मेरे भाई निवृत्ति दास ने मुझे बोला हुआ है, ये आपको जानना चाहिए, ऐसे बोला। गणेश ओम तू ही गणेश है और सकल ज्ञान का प्रकाशक है, अर्थात तू सर्वज्ञ है, तू ही ज्ञान का प्रकाशक है, तू ही ज्ञान का निर्माण करने वाला है, ये बहुत क्लियरली बता दिया। इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, ज्ञान क्या है अपौरुषेय, कोई ऋषि महर्षि का बनाया नहीं है। ऋषयः मंत्र दृष्टा रह न मंत्र करता रह, ऋषि लोग केवल मंत्र के दृष्टा है, उसके आत्मा में अनुभव करने वाले हैं, परंतु मंत्रों के इस ज्ञान के कर्ता नहीं है, अर्थों के प्रकाश करने वाले वो नहीं है, ये बोला हुआ। फिर आगे बोला हे शब्द ब्रह्म आशेष तेचि मूर्ति सुवेश, वो जो आत्मरूप ओंकार है, तो जो जिसको ज्ञानेश्वर जी ने गणेश कहा और पूरे बोला हे शब्द ब्रह्म आशेष तेचि मूर्ति विशेष, हे परम पिता परमेश्वर ओम, हे जितना भी ये शब्द रूप है, वेद ज्ञान है, ये शास्त्रियों का प्रवचन है, शब्द रूप में जो है वो तेरी मानो मूर्ति है, वो शरीर रूप है तेरा, तेरी आत्मा तो अर्थ रूप है, और हे ओंकार ये शब्द जो वैदिक वांग्मय है, जैसे मानो कि आपकी मूर्ति है, ऐसी उपमा दी उन्होंने, और उसमें जो शब्द व धातु सभी जितने आ गए हैं वो निर्दोष है, वो ज्ञान आपका एकदम निर्दोष है, तो ऐसे आप हो। तो यहाँ पर अर्थ रूप ब्रह्म को शब्द रूप का, और उस शब्द रूप जो वेद है वही तेरी मूर्ति है, तेरा शरीर है, ऐसा उसको उपमा के रूप में कहने का प्रयास किया हुआ। फिर आगे बोला कि स्मृति तेची अवयवा, तो ये जो तेरे शरीर रूप वेद रूपी वांग्मय है, उसमें उसमें जो स्मृति आदि है जो तेरे इस ओंकार का वर्णन करते हैं, मनुस्मृति और आदि जो स्मृतियां हैं, वो तेरे शरीर के अवयव है, कौन से शब्द रूप ईश्वर के शब्द ब्रह्म के अवयव है ये स्मृति आदि, और उसमें जो अर्थ शोभा है वो तेरे शरीर की, अर्थ जो है वो तेरे इस शब्द रूप की वो शोभा है। तो अभी क्या कर रहे, शब्द ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, और उस वैदिक वांग्मय को ओंकार का शरीर कहकर के उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये जो स्मृति आदि है वो आपके अवयव है, और उसमें जो अर्थ शोभा है, अर्थ गौरव है, मानो वो आपका सौंदर्य है उसमें। फिर का अष्टादश पुराणे तीची मणिभूषणे पद पद्धति खेवने प्रमेय रत्नांची, तो अष्टादश जो पुराण है, 18 पुराण जो है, और उसमें जो ये आपके मणिभूषण है, और उसके अंदर जो सिद्धांत है, मानो वो आपके अलंकारों के खेवन है, वो कोंदन है, वो ऐसा उसको वो बताते हैं। फिर वो शब्द ब्रह्म जो वेद है, जो आपका वैदिक वांग्मय है, उसमें जो पदबंध नागर तेच रंग थिले अंबर जेत साहित्य वाणी सुपुर उजाड़ाचे, तो जो पदबंध है उसमें
जो पदबद्धों की जो पदों की रचना है, जो छंद आदि है, वो मानो आपके शब्द ब्रह्म के वस्त्र हैं, ऐसी उपमा दी उन्होंने, है ना। वो आपके अलंकार है वो, और उसमें वो जो जो उसमें जो पद रचना है वो आपको आपके चमक चमकने वाले अलंकार है, ऐसा बोला। फिर नाना प्रमेयांचे परी निपुण पड़े पाता कुसरी वगैरह, इसमें क्या बोला कि उस जो काव्य नाटक आदि जो है आपके जो वो क्या है आपके शरीर के जैसे मानो घंटियां हैं, जैसे होते ना जी कमर में इधर उधर जो, तो वो जी जी घंटियां है। और उसी नाटक आदि के द्वारा आपने क्या किया, उन्होंने वेदों के सिद्धांतों को कहने का प्रयास किया हुआ। तो जेत व्यासादि कांची मति, तो जो वैदिक वाङ्मय में व्यासादि ने जो भाष्य आदि किया है वो क्या है, जैसे मानो आपके मेखला है वो आपकी। और इसी प्रकार से कहा कि जो षड़ दर्शन है वैदिक वाङ्मय में, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वगैरह जो छह दर्शन है वो मानो आपकी छह भुजाएं हैं, और जी उसके जो छह अलग अलग विषय है मानो ये छह दर्शन है वो आप उसके आपके आयुध है, शस्त्र आदि हथियार है। इन्हें राइट देखिएगा वैदिक वाङ्मय को कैसे वो शब्द रूप यानी शरीर रूप में ओंकार के प्रयोग लेकर कर रहे हैं, तो अर्थ जी रूप तो समझ में नहीं आता, वो तो समझाने लायक नहीं है। तो अर्थ रूप को जी समझाने के लिए उपमा दे करके और शब्द को उनका शरीर मान करके समझाने का प्रयास हो रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके छह हाथ है वो छह दर्शन का मतलब, वो मतलब एक्चुअल उनकी हाथ नहीं ताकत है या कहते वो, या हाँ समझाने के लिए उसमें कहते। और उसमें जो वैशेषिक और पूर्व मीमांसा है उसको उन्होंने कहा कि तरी तर्कु तोचि फर्शु नीति भेदो अंकुशु वेदांतो तो महारसो मोदुकु मिर्वे। तो षड़ दर्शनों की व्याख्या करते हुए बता रहे कि कैसे आपके छह हाथ है, तो कहते वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा मानो ये नीति धर्म की धर्म को समझाने वाले हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, आपका एक अर्थ है। दूसरा जो पहला था, दूसरा पहला था पहला न्याय दर्शन जो है वो मैं थोड़ा ठीक करता हूं उसको। जो न्याय दर्शन है मानो तर्क है, वो आपके हाथ में जो फरसा रखा है ना वो मानो न्याय दर्शन है, और तर्कों से जो है वो जो वेदों के ज्ञान में जो कमी आती है तो उसको वो काट कूट करके खंडन मंडन करके उसको ठीक कर देते हैं। जो दूसरा हाथ है मानो वैशेषिक दर्शन है और पूर्व मीमांसा है, और धर्म की का वर्णन करते हुए धर्म अधर्म को कंट्रोल करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। और तीसरा जो हाथ है उसको उत्तर मीमांसा बोला, और उसमें क्या उसमें भी धर्म की व्याख्या करके वो भी अंकुश की तरह जो है सिद्धांतों की रक्षा करता है। जो चौथा हाथ है पूर्व मीमांसा वाला, उसको उन्होंने बौद्ध दर्शन का रूप भी बोला है, जो बौद्ध दर्शन के हाथ में भी बौद्ध दर्शन के रूप में भी उसे कहने का प्रयास किया हुआ है। और जो 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 पांचवा हाथ है उसका उनका उसको सांख्य दर्शन के रूप में उन्होंने कहा है, उसका जो सत्कार्यवाद है जो। और जो जी छठा हाथ है वो योग दर्शन। तो इस तरह से छह दर्शनों को गणेश के छह हाथों को इमेजिनेशन बताने का प्रयास किया इस तरह से, तो वो भी थोड़ा जी समझने जी का प्रयास करना चाहिए। और उनका जो दांत है तरी संवादु तोचि दशनु, वो जो उनका शुभ्र दांत जो बड़ा दांत है वो मानो वैदिक दर्शनों की शुभ्रता पवित्रता और निर्दोषता है, ऐसा बताने का प्रयास किया है। और जो टूटा हुआ दांत है मानो वो कहते हैं ना जैसे खंडन मंडन करके ज्ञान की शुद्धता को बनाए रखने के लिए करते हुए टूटा हुआ वो दांत है, तो ईश्वर ने ईश्वर के जो वेद ज्ञान की परीक्षा जो है करने के लिए खंडन मंडन भी बहुत जरूरी है, उसका वो सूचक है, ऐसी उपमा उन्होंने दी हुई है। और आगे बोला कि जी उपरि वेदादि उपनिषदे जिये उदारे मकरंदे, जो गणेश के जो बड़ा सिर है उसके ऊपर जो मकरंद होता है दो, वो मकरंद जो है मानो आपका वो ज्ञान वेदों के ज्ञान का सुगंध है वो, जैसे जी परिपक्व ज्ञान का वो सुगंध है वो अंतिम ज्ञान है आपका, तो ऐसा वो ज्ञान आपका शरीर में है। और जो उनका बड़ा सिर है हाथी जैसा दिखाया है वो, क्योंकि वो सर्वज्ञ है सभी शास्त्रों का ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, तो इसलिए उनका बहुत शरीर बड़ा है। तो जो मूर्ति जी दिखाया अकार चरण युगल, ओम लिखते हैं ना अकार उकार मकार को, तो कहते हैं ये जो आपके जो चरण युगल है ना, जैसे मानो आकार है आपका, जो आपका बड़ा विशाल पेट है मानो उकार है उसमें,
और जो आपका महामंडल है, आपका इतना बड़ा शीर है, तो वो मानो मकार है। तो अकार उकार मकार को भी उन्होंने उपमा देकर के समझाने का प्रयास किया हुआ। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने कि ये जो अर्थरूप जो ब्रह्म था, जो अरूप है और शब्दातीत है, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक शब्द रूप ब्रह्म को मान करके उसको समझाने का प्रयास किया है ओमकार को। और इसी से जो है वो गणेश की मूर्ति का सारा स्वरूप उसमें निकला हुआ है। और आप उसमें देखेंगे एक एक स्वरूप को, थोड़ा उनके शरीर को जी, जी। उसका प्रतीक बना दिया, शब्द रूप ब्रह्म का प्रतीक के रूप में उसको बदल दिया। और फिर उनका बड़ा सिर, यू नो, ज्ञान का सूचक है, उनके बड़े बड़े कान का मतलब है ईश्वर सुनता ही सुनता है, बोलता बहुत कम है, हमको ज्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और इतना बड़ा सिर दिखाया हाथी जैसा, और आंखें छोटी छोटी, छोटी आंखों से क्या होता है, आदमी जब सोचना होता है ना तो छोटी आंखें करके देखता है। तो किसी भी सिद्धांत को, ज्ञान को देखने के लिए वो बहुत ध्यान से देखता है, सत्य असत्य का निर्णय ठीक हो, कहीं देखने में कमी न रह जाए, कोई भूल हो जाए, चूक भूल न हो जाए। तो आंखी छोटी, तो हमको ध्यान से देखना है हर चीज को, सिद्धांतों को, जीवन में भी। तो आंखें छोटी दिखाई है, और उसके बाद में उनको जो लंबी सूंड जैसी दिखाई है, नाक उनका, भाई नाक लंबी होती है तो इसका मतलब है गांव में उसका मान सम्मान आदर बहुत होता है। ये इतना बड़ा नाक दिखा दिया कि संसार में इतना बड़ा नाक किसी का हो ही नहीं सकता। तो संसार में सबसे अत्यंत आदरणीय जो है, पूजनीय जो है, वो गणेश रूप जो ओंकार है, ये उनका स्वरूप दिखा दिया। उनका जो बड़ा सा पेट दिखाया है, आपको पता ही है बड़ा पेट का मतलब उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, समा सकते ईश्वर के पेट में पूरे संसार का कर्म सिद्धांत, उनके पाप पुण्य, उनका लेखा जोखा सब कुछ समाया हुआ है, और फिर भी शांत बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है वो, बड़ा पेट है उनका वो। तो उनके हाथों के बताया था कि ये छह दर्शनों के वो सभी वो स्वरूप है। और जैसे उनके हाथ में एक मोदक दिखाया जाता है, मोदक क्या है, आनंद स्वरूप है, आनंद, लड्डू खाने का आनंद तो आता है ना, जो परमपिता परमेश्वर ओंकार को समझेंगे तो आनंद तो मिलेगा ना, मोक्ष तो मिलेगा ना आपको रूप में। और ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान हमारे लिए क्या है, उनका ज्ञान है, और इसलिए वो क्या करते, एक हाथ में वरदान देते हैं। और जैसे ज्ञान देंगे तो सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, जब ज्ञान का वरदान मिला तो सुख आएगा, दुख जाएगा, कोई विघ्न आएगा नहीं है। सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है और सुखों का मूल कारण ज्ञान है। जब ज्ञान ही मिल गया तो आपको पता है कि सभी होना ही होना था। तो इस तरह से वो फिर जो चूहा दिखाया उनके सामने, उनका वाहन, इतने बड़े विदेश, इतना सा चूहा, उसके बेट पे सवारी करने का, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि चूहा इस बात का प्रतीक है उनके सामने कि वो जमीन के नीचे चूहा जाता है और अपने इस तरह से घर बनाता है कि पानी से भी बच जाता है और इस जगह से उस जगह, जैसे दीवार के नीचे से भी निकल चला जाता है सुरंग बना करके। तो ऐसे जो पॉलिटिकल नॉलेज है, किले बनाने का नॉलेज है, शत्रुओं से बचने का नॉलेज है, संकटों से भी निकल के जान को बचाने का वगैरह जो ये नॉलेज है, तो ये उसका प्रतीक सवारी है इस तरह की। वो धरती में, आकाश में, सब कुछ सुरक्षित रूप से वो अपना मार्ग निकाल सकते हैं। तो इस तरह का उनका ये चूहा जो है उनका वाहन है। तो ये सभी समझाने के लिए इस तरह के जो उपमा रूप में जो बताया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतीक रूप में कहते हैं। तो कहा तो अर्थ रूप था, वैदिक वाङ्मय में उसका शब्द रूप है और उसके आधार पर ये उसका प्रतीक के रूप, प्रतीक रूप बना दिया उपासना के लिए, लोगों को समझा के नहीं लिखे। और एक चौथा रूप होता है चित्र रूप, यानी माँ बाप का चित्र है या किसी ऋषियों का चित्र है, एक्चुअल चित्र निकाल के भी हम उनको सामने रख करके उनसे प्रेरणाएं लेते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो उपासना में, पूजा पद्धति में चित्र भी रखे जाते हैं, प्रतीक भी रखे जाते हैं, चांटिंग से वेद मंत्रों का भी उच्चारण होता है, और ध्यान से उस ओम का जो निराकार रूप है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पर अंततोगत्वा वो निराकार स्वरूप जो है, जो ध्यान से, चिंतन से, मनन से हमारे समझ में आता है, वही सही है। पर वो क्योंकि अरूप है, निराकार है, समझ में नहीं आता, तो उस अरूप को रूप के रूप में, प्रतीक के रूप में, चित्र के रूप में समझाने के लिए ऋषियों ने ऐसा प्रयास किया हुआ है। पर लोग चित्रों को ही, सिंबल्स को ही सब कुछ मान के बैठते हैं और वो अर्थ ब्रह्म को टोटली भूल जाते हैं।
और परिणाम क्या होता है कि फिर वो रिचुअल में ही मस्त हो जाते हैं, फिर अंधश्रद्धा में भी चले जाते हैं वगैरह वगैरह। और वो गणेश ओंकार पूरे संसार का आधार है। तो यज्ञ को भी, यज्ञ को भी गणेश कहा हुआ है, क्योंकि यज्ञ जो होता है, यज्ञो वही भुवनस्य नाभि ही, संपूर्ण संसार का निर्माण करके पालन पोषण करने का सामर्थ्य यज्ञ में है। तो परमपिता परमात्मा संसार का उत्पन्न करके पालन पोषण सब कुछ करता है ना, जैसे यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्य दान संभव, सब करने वाला यज्ञ है। तो गणेश जो है यज्ञ का भी अर्थ है, और वो परमपिता परमात्मा का वो यज्ञ है, परमात्मा ओंकार स्वरूप वो यज्ञ है। तो गणेश ओम को भी गणेश और ओंकार के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। और जो गणेश की आकृति का जो लाल रंग होता है ना, जैसे वो अग्नि का रंग होता है, जैसे अग्नि जलाओ लाल पीला अग्नि होता है और उसका आकार ऐसे होता है, तो वो भी गणेश का भी आकार देखो, यहाँ बड़े फिर आगे ऐसे छोटे होते। तो इस गणेश का जो तुलना उपमा जो है यज्ञ के साथ भी की गई है। तो इस तरह से ऋषियों ने अनेक तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आकार मतलब उपमा दी गई है, और वो इमेजिनेशन से उनकी जो एक तस्वीर बनी, एक मूर्ति बनी, उसका पूजन किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक कि बहुत से लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है, कि वो सोचते होंगे कि ये सूंड क्यों है इतनी लंबी, नाक इतना लंबा क्यों है, पेट इतना बड़ा क्यों है, चार या छह भुजाएं क्यों है। सो इन सब सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छी तरह से दिया है तानल जी, धन्यवाद। अगर कोई बात रहेगी तो आप बता सकते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने स्वरूप बता दिया, मैंने उसको बहुत जल्दी में थोड़ा बताने का प्रयास किया है, थोड़ा शास्त्रीय है, थोड़ा कठिन भी लग सकता है, पर मैं सबको यही कहूंगा कि समझने का प्रयास कीजिएगा। परंतु कई बार पुराणों में जैसे ऐसे बोला जाता है ना कि जैसे पार्वती जी नहा रहे थे, फिर वो गणेश जी वहां बैठे थे, फिर शिव जी आ गए, तो उन्होंने अपने माँ के आदेश का पालन करने के लिए किसी को अंदर न आने देने के लिए फिर अपने पिताजी से वो युद्ध किए और गर्दन कटी, फिर ऐसे करके फिर लोग कई बार पूछते हैं कि भाई हाथी का सिर उठा करके उनके ऊपर क्यों है, कई लोग उसको तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो पुराणों का जिस तरह स्वरूप बोला है उसमें कई बार तर्क वितर्क हो जाता है और समझाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये गणेश जो ज्ञानेश्वरी का जो स्वरूप है ना, अर्थ ब्रह्म शब्द ब्रह्म, फिर उसमें प्रतीकात्मक आकर के चित्रों तक आने का समझाने का ही उपमा दे करके, तो इससे थोड़ा सा वो समझ में आने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने इस रूप में आपको रखा। और देखिए गणेश जो परम पिता परमेश्वर जो सकल अर्थमति प्रकाश हुए, मैं कहता हूँ गणेश के उत्सव के समय में दसों के दस दिन जो है वेद उपनिषद दर्शन आदि के प्रवचन होकर के अधिकाधिक सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, और उससे लोगों का जीवन निर्विघ्न हो, सुख से भरपूर हो, दुखों से दूर हो, हम उसमें इधर उधर के चीजें नहीं करें, गलत म्यूजिक नहीं लगाए और केवल भांगड़ा इधर करे, अपितु ज्ञान की चर्चा करे उसके बीच में, तो हमारा बहुत लाभ होगा, हमारे समाज की बड़ी उन्नति होगी और सबका भला होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हिंदू फिलोसोफर है और सारा ज्ञान है आपको, आप जितने भी यू नो वेद वेदांत है पढ़ते हैं और उसमें से जो हमें अच्छी चीजें निकाल के हमें समझाते हैं, तो उसके लिए ताना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं छह दर्शनों में मेरा डॉक्टरेट है, पर मैं उसमें जाऊंगा तो सब लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसे नहीं इजी या बहुत इजी शब्दों में आप समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगले सप्ताह फिर मिलने की कोशिश रहेगी। ये प्रोग्राम देखते रहें, अगर आपको पसंद आए, आपको लगता है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप प्लीज शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास किसी भी जरिए से ये लिंक पहुंचता है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो या फिर ईमेल किसी ने किया या आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वहां से भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी जानने वालों के साथ। फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरिता सबरवाल का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना आप सबका और हमारा भला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्कार।